तो फाइनली मेरे को मिल चुकी है अपनी फरारी कार और फरारी कार को मैं इसी तरीके से एंजॉय कर पा रहा हूँ। बट काफी बंदों को अभी तक अपने फरारी कार का चीट कोड नहीं मिला है, तो चलो मैं आप लोगों को बता दूं अपनी फरारी कार को आप लोग अपने गेम में किस तरह से ले सकते हो और अपनी सुपरा और मस्टैंग जीटी का भी चीट कोड क्या होने वाला है। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि न्यू अपडेट को सीक्रेट तरीके से किस तरह से करना है, क्योंकि काफी बंदों का प्ले स्टोर पर न्यू अपडेट भी देखने को नहीं मिला है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक आप लोग अपना एक छोटा सा न्यू अपडेट नहीं करोगे, अब काफी बंदे सोचेंगे भाई प्ले स्टोर पर तो न्यू अपडेट देखने को ही नहीं मिल रहा, तो अपडेट आपने किस तरह से कर लिया और ये सारे चीट कोड कैसे तुमको पता चल गया। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये सारे चीट कोड यहाँ पे आप लोग को देखने को मिले, वो चीट कोड छुपे हुए हैं, वो चीट कोड आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ एक करके। बट आप लोगों को न्यू अपडेट किस तरह से करना है वो भी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। एंड जैसे मैं आज की जो वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद स्टेप स्टेप आप लोग को चीट कोड लिख सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो, और साथ ही अपने न्यू अपडेट को किस तरह से करना है वो देखने के बाद अपने फोन में भी वो सेटिंग लगाने के बाद न्यू अपडेट को भी इजी तरीके से कर पाओगे। तो यार चलो बिना किसी देर के वीडियो करते हैं। आप लोगों को जो स्टेप फॉलो करना है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हो, बिना किसी देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। छोटे से इनको कहूँ फिर से एंड आज की जो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली। अब देखो काफी दिनों से मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे अपना न्यू अपडेट कब आने वाला है एंड अपने न्यू अपडेट की डेट क्या होने वाली है। तो फाइनली हम लोग अपना जो न्यू अपडेट है फाइनल प्ले स्टोर पे आ चुका है। देखो जैसे इंडियन बाइक एवरीडे हम लोग प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो काफी बंदों को अपना जो न्यू अपडेट है वो प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि न्यू अपडेट आप लोगों को किस तरह से करना है, कौन सी सीक्रेट सेटिंग लगानी है, जिसकी वजह से मैंने अपना न्यू अपडेट करा। पहले एक एक करके न्यू चीट कोड बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पे चीट कोड शो हो रहे होंगे, बट वे चीट कोड अभी मैंने दुबको रखे हैं। तो मैं आप लोग पहले एक एक करके चीट कोड बता रहा हूं, वो चीट कोड आप लोग लिख भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो। एंड जैसे मैं करने वाला हूं वैसे वैसे आप लोग भी अपना फर्स्ट चीट कोड होने वाला है सपनी न्यू काफी अमेजिंग फरारी कार का। तो फरारी कार का चीट कोड आप लोगों को जैसे ही अपने गेम में लगाना है 242 एंड उसके बाद लगाना है। चीट कोड आगे बताने वाला हूं, पहले आप लोग यहां पे देख सकते हो कि फरारी कार आप लोगों को किस प्रकार से देखने को मिल जाती है और फरारी कार काफी ज्यादा मजेदार देखने को मिल जाती है। फरारी कार को मैं इसी तरीके से एंजॉय भी कर पा रहा हूं। एंड इसके बगल में मैंने अपने मस्टैंग जीटी को भी स्पॉन करवा रखा है एंड मस्टैंग जीटी का भी चीट कोड मेरे को पता चल चुका है। अब आप लोग सोचेंगे भाई अपने फरारी कार का चीट कोड क्या है और मस्टैंग जीटी का चीट कोड क्या है। तो हमारे गेम में बहुत सारी न्यू चीजें आ चुकी हैं, जैसे कि अपने भी आ चुके हैं और जो भी मोड भी आ चुका है और अपने गेम में अपना एक न्यू हाउस की लोकेशन भी आ चुकी है और साथ ही हमारे मस्टैंग जीटी और फरारी कार भी आ चुकी है। तो एक करके मैं आप लोगों को पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अपनी जो फरारी कार का चीट कोड क्या है, तो फरारी कार का चीट कोड मैंने आप लोगों को आगे बताया था आधा बताया, तो अब मैं आप लोगों को पूरा चीट कोड भी बता देता हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया था 42 एंड उसके बाद आप लोगों को लगाना है, चलो वो भी चीट कोड मैं आप लोगों को आगे बताना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड जैसे मैं चीट कोड इनके कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है। मैंने आप लोगों को मस्टैंग जीटी को भी दिखा दिया एंड उसका चीट कोड मैं आप लोगों को हाथ लगे दिखा देता हूं। तो मैं आप लोगों को वो चीट कोड आगे बताने वाला हूं, वो एक करके चीट कोड बता देता हूं कि अपने गेम में अपने न्यू सुपरा एंड फरारी कार का एंड साथ ही अपने ज़ॉम्बी का चीट कोड क्या होने वाला है एंड किस तरह से आप लोग अपने न्यू वाले हाउस को भी ले सकते हो और बस का भी चीट कोड क्या होने वाला है। चलो मैं आप लोगों को ये सारे चीट कोड बता देता हूं। उससे पहले हम लोग एक छोटी सी ट्रिक को देखने वाले, जो ट्रिक काफी ज्यादा मजेदार होने वाली, जो ट्रिक को देखने के बाद हम लोग अपने न्यू चीट कोड भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को पहले तो आना पड़ेगा अपने मेगा रैंप पे। मेगा रैंप पे आने के बाद आप लोगों को इसी तरीके से घोड़े को स्पॉन करवाना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। मेगा रैंप पे कोने के आप लोगों कोने में आप लोगों को एक घोड़े को स्पॉन करवा लेना है, जिससे कि मैं स्पॉन करवा पा रहा हूँ। एंड उसके बाद आप लोगों को घोड़ा इस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा उसको धक्का देना है, बस इतना दे देना है एंड उसके बाद आप लोगों को इसके ऊपर इसी तरीके से बैठ जाना। अब देखो आप लोग अपना जो करेक्टर है वो नीचे की साइड चला जाता है और काफी आप लोगों का जो घोड़ा है वो ऊपर ही साइड देखने को मिल जाता है। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि अपना जो घोड़ा है वो इसी तरीके से बच चुका और आप लोग अपना बिना करेक्टर बिना आप लोग घोड़े को इसी तरीके से इंजॉय कर पाओगे एंड आप लोग इसी तरीके से इसको नीचे भी ले जा सकते। ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ऑनलाइन टाइम आप लोगों को अपने न्यू चीट कोड बता देते जो आप लोगों को नहीं पता है, तो और साथ ही मैं तुमको बता रहा हूँ कि न्यू अपडेट मैंने किस तरह का एंड आप लोग भी किस तरह से कर सकते हो। चलो वो भी न्यू अपडेट हम लोग किस तरह से करना वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ। पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे गेम की डेवलपमेंट से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है और साथ ही पहले मैं तुमको न्यू चीट कोड भी बता देता हूँ। अब एक भाई के कमेंट आ रहे थे कि इससे इस वाले डायनासोर से हम लोग अपने ज़ॉम्बी को किल कर पाएंगे, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपने जो इसको स्पॉन करवाया एंड इसके ऊपर हम लोग जैसे बैठे और अपना एक ज़ॉम्बी भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अपना जो डायनासोर है वो इसी तरीके से किल कर पाता है और साथ ही अब जब मैं आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कि एयरपोर्ट पर भी मैं आ चुका हूँ एंड एयरपोर्ट के अंदर भी ये इसी तरीके से डायनासोर किल कर पा रहा है। एंड राइट अब आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने गेम में अपना जो ये डायनासोर है वो आप लोगों को किस किस को किल कर सकता है। अब ये अपने जो सड़क के किनारे बंदे हैं उनको भी किल कर सकता है और ज़ॉम्बी को भी किल कर सकता है इसी तरीके से, ठीक है। जब जब आप लोगों को अपने न्यू चीट कोड भी बता देता हूँ एंड साथ जो ज़ॉम्बी मोड है वो भी किस तरह से आप लोगों को गेम में देखने को मिलेगा। तो देखो
हमारे जोम भी तो इजी तरीके से दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलते हैं चीट कोड के थ्रू। अब देखो यहाँ पे चीट कोड डायल करके भी आप लोग मंगवा, जैसे आप लोग अपना गेम ओपन करते होंगे तो वैसे आप लोग को थ्री ऑप्शन देखने को मिलते होंगे, फर्स्ट प्ले का, सेकंड का, थर्ड है चैलेंज का। जैसे आप लोग चैलेंज पे क्लिक करोगे यहाँ पे भी आप लोग जोम्बी मोड का, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग इसी तरीके से अपने जोम्बी मोड में पहुंच जाओगे। और जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसी तरीके से थोड़ा सा वेट करने के बाद जोम्बी मोड में पहुंच चुका हूँ। और कुछ इस प्रकार से तुम पहुंचने के बाद इसमें जोम्बी इसी तरीके से तुमको देखने को मिल जाएंगे, कोई भी चीट कोड तुमको डायल नहीं करना। अब मैं तुमको बता रहा हूँ अपने जो जोम्बी पार्क आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा एंड उसकी लोकेशन आप लोगों को किस जगह पे देखने को मिलती है। तो उसकी लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलती है एयरपोर्ट पे। अब आप लोग सोचेंगे भाई एयरपोर्ट पे तो एरोप्लेन खड़े होते हैं, वहाँ पे जोम्बी कैसे देखने को मिल सकते हैं? ऑलराइट, पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आप लोग इजी तरीके से देख ही सकते हो, यहाँ पे तुमको इजी तरीके से बहुत सारे जोम्बी देखने को मिल जाते हैं जोम्बी मोड के अंदर, ठीक है। तो पहले आप लोगों को जोम्बी मोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद एयरपोर्ट पे आना है तो जोम्बी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ओपन वर्ल्ड गेम खेलोगे तो जोम्बी मोड जोम्बी एक भी देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को चीट कोड के थ्रू मंगवाना होया करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने गेम में हम लोग अपनी सुपरा और मस्टैंड जीटी का चीट कोड। तो सुपरा कार का चीट कोड पहले आप लोगों को दिखाने से पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अपने जो सुपरा कार है वो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, उतनी ज्यादा अच्छी भी लग रही है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बता देता हूँ अपने ये इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है तो इसका चीट कोड क्या होने वाला है। तो इसका चीट कोड होने वाला है जैसे आप लोग अपने गेम में 3-6, चलो वो चीट कोड हम लोग आगे देखने वाले हैं। आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को अपने गेम के डेवलपर से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है, उसको मैं आप लोग बता देता हूँ। तो हमारे गेम के डेवलपर अभी अपने इस वाले न्यू अपडेट में भी एक न्यू हाउस को ऐड करने वाले। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो हाउस है वो काफी दिनों से चेंज नहीं हुआ है और काफी दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत दिनों से कमेंट आते हैं भाई अपना न्यू हाउस कब आएगा, न्यू हाउस की फिक्स डेट क्या होने वाली है। तो इस वाले न्यू अपडेट में आप लोगों को ये वाला हाउस देखने को मिल सकता है या फिर गेम के डेवलपर बोल रहे हैं कि ये वाला हाउस देखने को मिल सकता है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सा वाला न्यू हाउस पसंद है, अब आप लोग उसके ऊपर भी ओपी लिख देना। और साथ ही इस वाले न्यू अपडेट में कोई सा भी आप लोगों को न्यू हाउस देखने को मिल सकता है। और साथ ही अब जब तुमको बता रहा हूं गेम के डेवलपर तब से ये वाली गुड न्यूज आई है। अब आप लोगों को बता रहा हूं कि न्यू अपडेट को प्ले स्टोर से किस तरह से कर सकते हो एंड मैंने अपना न्यू अपडेट किस तरह से करा और मैं अपने गेम में किस तरह से अपनी फरारी कार को, अपने न्यू सुपरा कार को एंजॉय कर पा रहा हूं, तो इनके चीट कोड क्या होने वाले, तो चलो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। तो हमारे जो गेम के डेवलपर है अभी वो अपने गेम के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अगर आप लोगों को कोई चीज को ऐड करवाना तो उसके भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो जोम्बी मोड को मैंने आप लोगों को दो तरह से बता दिया कि आप लोग इसी तरीके से जैसे गेम ओपन करोगे तो आप लोगों को चैलेंज वाले ऑप्शन में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जोम्बी मोड एंड चीट कोड उसका होने वाला है जैसे आप लोग ये चीट कोड, वो चीट कोड अभी हमारे गेम के डेवलपर से अभी रिलीज नहीं हुआ है। और साथ ही हमारे गेम के डेवलपर में अभी तीनों कार को ऐड कर दिया है और साथ ही सुपरा फरारी एंड साथ ही अपनी मस्टैंग जीटी को भी एंड रोहित गेम स्टूडियो उनकी तरफ से मैसेज आया कि इस वाले न्यू अपडेट में आप लोगों को ये तीनों चीजें देखने को मिलने वाली है, मस्टैंग जीटी, सुपरा कार एंड अपनी फरारी कार, ठीक है। तो मैंने पूछा कि सर इनके चीट कोड क्या है, तो सर ने बोला कि अभी इनके चीट कोड तो इस फोन के अंदर अभी ऐड नहीं करें, जैसे कि ये फोन देखने को मिल रहा है तो इसके फोन के अंदर अभी ऐड नहीं करें। तो मैंने पूछा कि सर अपने इसके अंदर कब तक ऐड हो जाएंगे और अपना जो न्यू अपडेट है वो हमको प्ले स्टोर पे कब तक देखने को मिल जाएगा। तो देखो पहले आप लोगों को बता रहा हूं हमारे जो गेम के डेवलपर है अभी हमारा जो न्यू अपडेट है वो प्ले स्टोर पे नहीं दिया है और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि 30 तारीख को न्यू अपडेट आने वाला है और आज 28 तारीख हो चुकी है। तो अपने गेम के डेवलपर ने किस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को 30 तारीख को देखने को मिलने वाला है, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 दिन के बाद। वैसे हमारा जो न्यू अपडेट है वो कल को भी आ सकता है संडे में, अभी पूरा कंफर्म नहीं है। वैसे तो उन्होंने बोला था कि संडे में भी आ सकता है या फिर सोमवार में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि संडे में आना चाहिए फिर सोमवार में न्यू अपडेट को देना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, मैं आप लोगों को बता देता हूं अपने न्यू चीट कोड क्या होने वाला है, मस्टैंग जीटी, फरारी कार और सुपरा कार का। तो अभी तो हमारे गेम के डेवलपर अपने न्यू अपडेट में ये सारी चीजों को ऐड करने वाले हैं, तो अभी तो आप लोगों को इन सभी के चीट कोड देखने को नहीं मिलते हैं और अभी आप लोग केवल अपनी सुपर कार को एंजॉय कर सकते हो और न्यू हाउस भी देखने को मिलने वाला है, जोम्बी देखने को मिलने वाले हैं, न्यू फरारी कार, सुपर कार, सुपरा कार और साथ ही अपनी जो काफी अमेजिंग अपनी मस्टैंग जीटी देखने को मिलने वाली है। और साथ ही इस वाली न्यू अपडेट में अपना आर्मी हेलीकॉप्टर या फिर पुलिस हेलीकॉप्टर भी आ सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन से हेलीकॉप्टर को इस वाली न्यू अपडेट में ऐड करवाना है, आर्मी हेलीकॉप्टर को या फिर अपने पुलिस हेलीकॉप्टर को भी। आप लोगों को जल्दी जितने ज्यादा जिस पे कमेंट होंगे वही मैं इस वाली न्यू अपडेट में ऐड करवा पाऊंगा। तो एंड आज की जो लाइव वीडियो है वो इसी के साथ आज इतनी सी इंफॉर्मेशन, और जैसे अपना न्यू अपडेट आएगा 1-2 दिन में या फिर कल को न्यू अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को सारे न्यू चीट कोड बता पाऊंगा। तो चलो फिर मैं आप लोगों से फिर सेकंड वीडियो में मिलूंगा, जब तक लेता हूं मैं आप लोगों से गुड बाय। एंड अब ये न्यू अपडेट हम लोग सीक्रेट तरीके से नहीं कर सकते जब तक हमारे न्यू अपडेट गेम के डेवलपर प्ले स्टोर पे इनेबल नहीं कर देते। तो फिर मिलते हैं, फिर जब तक लेते हैं गुड बाय एंड टेक केयर।